सरदार, पूरे 500 बकरे। सुना तुमने, पूरे 500 बकरे, मोटे ताजे तंदुरुस्त सेहतमंद बकरे। यही नाम इसलिए, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है पाया खाने के लिए, तो मां कहती है, सो जा बेटे सो जा, पाया तो गब्बर सिंह खा रहा है। और ये तीनों रामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, पूरा मिट्टी में मिला दिए। राजकुमार काफी परेशान है कि इनका धंधा नहीं चल रहा है, तो बकरे वहां छोड़कर दूसरी बस्ती में जाते हैं और वहां आवाज लगाते हैं, तो वहां एक विलेज का एक गांव का एक आदमी उनसे मुलाकात करता है और बकरे खरीदने की ख्वाहिश करता है। तो किस अंदाज में देखिए, वो गांव वाला इनसे मुखातिब है राजकुमार से। आइए यो, हमको एक बकरा चाहिए जी। कितने में? जानी 2000 रुपए में एक बकरा। आइयो ये ला 2000 रुपये, हमको बकरा बता जी। बकरा जानी, अभी तुम्हें बताना जरूरी है। आइयो हमको आप भी जोड़ा जी। देखो ये रहा बकरा, कैसा लगा? आइयो इतना छोटा बकरा, हमको धोखा दिया, इतना छोटा। नहीं नहीं, ये धोखा नहीं, बड़ा ही शानदार बकरा है। आइयो क्या शानदार बोलता जी, हमसे 2000 रुपया लिया, इतना छोटा बकरा, इतना छोटा। जानी तुम हमारी बात समझो, बकरे को पहचानो और मेरे साथ चलो। क्या साथ चलो बोलता जी, हमको धोखा दिया, इतना छोटा बकरा। अबे मेरे साथ चल, ये बकरा नहीं, तेरे हाथ में बकरे की फोटो है, फोटो। आजकल क्रिकेट तो इंटरनेशनल गेम है, हर तरफ क्रिकेट चल रहा है। अब देखिए बच्चे बच्चे जबान पे क्रिकेट चल रहा है, हर कोई जैसो सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, छक्का, अरे कहाँ जा रहे, यहाँ तक जा रहा हूँ, फोर, ये चल रहा है। अरे भाई आपकी उम्र क्या है, 82 फॉर नो लॉस, ये चल रहा है क्रिकेट का हाल। अब देखिए आजकल शर्तें भी बांधते हैं कि क्रिकेट के गेम पर, के वनडे अगर मैच हुआ तो वहां पर शर्त भी चलती है, कोई जीतते हैं कोई हारते हैं। एक साहब घर में रो रहे हैं बेचारे, परेशान है, इन्हों भी हार चुके हैं, शरत बांधे थे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, अब रो रहे हैं। देखिए आप घर में रो रहे हैं, दोस्त साथ आए उनसे, दोनों की गुफ्तगू होती है, किस अंदाज में देखिए आप, इन्हों रो रहे हैं। अरे यार क्या करो यार, बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ यार, कहीं को रो रहा तू? सही बोल रहा हूँ, 800 रुपये हार गया यार भाई, 800 रुपये हार गया कल के मैच में। क्यों, झूठ बोल रहा है? मार के मुंह पर डालता हूँ। 500 हारा ना, मैं भी था ना सामने तेरे, 500 तो बारा था तो इंडिया पाकिस्तान पे। सही बोल रहा तू, 500 मारा था, लेकिन रात में हाईलाइट पे भी 300 हार दिया। दो दोस्त इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी जाते हैं, तो वहां की कंपनी के बॉस जो हैं वो कहते हैं लोगों से, देखो तुम लोग अपने कुछ खास दोस्तों के बारे में, फ्रेंड सर्कल के बारे में कुछ लिख कर लाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि नौकरी देना है या नहीं। अगर वो इंटरव्यू में पास हो गए तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, ओके बेस्ट ऑफ लक। ये फौरी वापस आ गए और दोनों लिख लिए हैं। फिर दो दोस्त मिलते हैं जाने के लिए कंपनी को, यार आज कंपनी को जाना है, तू लिख लिया? मैं तो लिख लिया। है तू लिखा? नहीं यार मैं तो लिखा हूं। तू क्या लिखा? नक, तू पास हो जाता मैं फेल हो जाता हूं, अगर मैं बोल दिया तो हौला दिख रहा हूं, मैं लिख लिया, मैं जबरदस्त लिखा हूं साथ। नहीं तू क्या लिखा? मैं कुछ भी लिखा भाई। नहीं प्लीज बोल रहा यार, देख अपन दोनों सेलेक्ट होना है, प्लीज बता दे तू आखिर लिखा क्या है दोस्तों के बारे में। मैं लिखा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं, उन पूरे दोस्तों में रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि हमेशा वो गम बांटने में साथ रहता है, दुख दर्द में साथ रहता है, खुशी में साथ रहता है, कई वक्त हम लोग एक साथ खाते फिल्मा देखते करते, हर एक में साथ रहता उन्हें रमेश, दुख दर्द में हमेशा साथ रहता, हमेशा गम बांटते रहता, खुशी बांटते रहता, इसलिए रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पूरे दोस्तों में रमेश अच्छा दोस्त है। ये लिखा हूं मैं दोस्त के बारे में। अच्छा यार ये बता, अगर वहां जाके अपने बॉस का प्लान चेंज हो गया, उन्हें बोल दिया कि अगर दोस्तों के बजाय पिताजी के बारे में लिख के लाओ तो क्या करेगा? बहुत आसान है, शॉर्टकट, दोस्त का नाम निकाल देना, पिताजी का लगा देना,
मैं समझा नहीं यार। अरे यार, जैसा कि अपन दोस्त का लिखे थे, रमेश, सब में अच्छा दोस्त रमेश दोस्त है, बहुत सारे दोस्त हैं, इसके बजाय अपन ये लगा देंगे, मेरे कई पिताजियां हैं, सब में अच्छे पिताजी मेरे पिताजी हैं, जो हमेशा दुख दर्द में साथ देती हैं। क्या आइए आजकल के हालात पर एक छोटा सा मजाइया खाका पेश खिदमत है। अब देखिए, एक प्रोफेसर साहब रोते हुए जा रहे हैं तो उनके दोस्त से मुलाकात होती है, दोनों में क्या गुफ्तगू हो रही है समाप्त फरमाइए। दोस्त प्रोफेसर को रुकाकर कहता है, हमारे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, क्या है? अरे कहां जा रहे हैं भाई? अरे मैं कहीं भी जाता हूं भाई, मैं जहन्नुम में जा रहा हूं समझो, मेरी तकलीफ मेरे साथ है यार, तू क्यों रुका रहा है? अरे यार बहुत रो रहा है तू, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं यार, क्या बताऊं, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। पुलिस स्टेशन? अरे भाई पुलिस स्टेशन किस लिए जा रहे हो? कंप्लेन लिखाने जा रहा हूं भाई। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन? क्यों, क्या चोरी हुआ? मेरे गुर्दे चोरी हो गए। क्या, गुर्दे चोरी हो गए? यानी किडनी? हाँ यार, मेरी किडनी की चटनी बन गई है आज। यार क्या गुर्दे भी चोरी होने की चीज है? अरे कपड़ा चोरी हो सकता है, पैसा चोरी हो सकता है, ये गुर्दे कैसा चोरी हुए समझ में नहीं आ रहा मेरे को। यही तो कह रहा हूं, मेरे गुर्दे चोरी हो चुके हैं यार, मेरे गुर्दे चोरी हो गए। अरे यार रोना नहीं यार, अगर ये बात सच है कि गुर्दे चोरी होने लगे हैं, हो रहे हैं, तो फिर मैं अपने सामान की हिफाजत कैसा करूं? ताला कहां पर डालूं? कहीं भी डाल ले, हाथ में पकड़ लेके फिर ताला, समझा? नहीं यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये आखिर क्यों हो रहा है। आखिर ये तफसील बता, गुर्दे चोरी हुए कैसा? ये देख यार, क्या बताऊं भाई, सच कह रहा हूं यार, मेरी तबीयत खराब हुई, हल्का सा लाइट बुखार आया, देख मेरे को, तेरे को तो मालूम ना मैं प्रोफेसर हूं, कई तजुर्बे किया हूं, कई रिसर्च किया हूं, हर चीज पर रिसर्च किया हूं मैं। हाँ वो तो मेरे को मालूम है, तो इसीलिए मैं सोचा कि बहुत बड़े दवाखाने में जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इसलिए बड़े दवाखाने हो गया, बस वही गलती हुई। देख अपने छोटे छोटे दवाखाने बहुत अच्छे हैं, ये बड़े दवाखाने में कामा पछाड़ ले रहे लोग, समझा तू? ऐसा दवाखाने हो गया, जाके बड़े डॉक्टर से मिला मैं, सब में मिलके बोला, साहब मेरे को लाइट बुखार है, जरा देख लो। डॉक्टर साहब चक्कर के बोले, कोई बात नहीं, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक इंजेक्शन दे डालता हूं मैं, 10 मिनट में पूरा बुखार उतर जाता, आप लेट जाओ। मैं लेट गया, 1 घंटे के बाद उठा, देख उठ के देखा तो यहाँ टाके लगे हुए, मैं परेशान हुआ, अरे ये टाके कहीं हुए? तो दवाखाने का वॉचमैन आया, उन्हें आके क्या बोल रहा मालूम, मुबारक साहब, क्या जबरदस्त गुर्दा है आपका, क्या तगड़ा गुर्दा है आपका। अरे मैं बोला, अरे भाई मेरे को बुखार आया तो ये गुर्दा कहीं को निकाले? क्या बोल रहे हैं साहब, बुखार आया तो क्या, यहाँ खांसी हुई तो भी गुर्दा निकाल लेते, पेट का दर्द हुआ गुर्दा निकाल लेते, जुकाम हुई गुर्दा निकाल लेते, या तो कुछ भी गुर्दा निकाल लेते, ऐसा खाली चक्कर नहीं आया, खुद ऑफिसर दवाखाना उसका भी गुर्दा निकाल लिए। अरे ये कैसा होगा, मेरा गुर्दा चले गया, क्या मेरी जिंदगी अब एक गुर्दे पे हो गई? वॉचमैन बोला, अरे साहब क्या बोल रहे हैं आप, आपकी जिंदगी क्या हिंदुस्तान की आधी आबादी एक गुर्दे पे है? अबा क्या इतना तेजी से चल रहा? और साहब बहुत तेजी से चल रहा है, गुर्दे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं यार, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था कंप्लेन लिखाने के लिए। अरे साहब, अरे 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 पुलिस स्टेशन, अरे कौन सा पुलिस स्टेशन जा रहा? अरे यही यार सामने का। अरे वहां नको जा, अरे मेरे भाई वहां मत जा, वहां कोई भी नहीं है, सर्कल साहब का भी गुर्दा मार दिया, कहते उन्होंने खुद कंप्लेन लिखाने कमिश्नर ऑफिस गए हुए है। क्या बोला, यहां तक हवा हो गई, अरे हर तरफ मार दे रहे हैं यार, अरे मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, घर तक गए तक और क्या क्या मार देते कि समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये तो जबरदस्त गैंग दिख रही, अरे अंडरवर्ल्ड से बढ़ के ये गुर्दा वर्ल्ड दिख रही मेरे को, बहुत बड़ी गैंग दिख रही है, अब मैं कहां जाऊं क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा। देखो प्रोफेसर साहब, आप अपने घर को जाइए, अपना काम कीजिए, वैसे आजकल आप किस पर रिसर्च कर रहे हैं? आजकल मैं उर्दू पर रिसर्च कर रहा हूं। उर्दू पर?
अरे प्रोफेसर साहब, उर्दू तो इतनी अच्छी जबान है, इतनी शीरी जबान है, अरे उस पर क्या रिसर्च कर रहे हो? ऐसा है, उर्दू बहुत अच्छी जबान है, लेकिन चंद जो जुमले है ना वो सूटेबल नहीं है। मैं समझा नहीं, क्या जुमले है? ये देखो, अब आपके घर कोई मेहमान आया। हाँ आया। तो मेहमान को कैसा बुलाते? अंदर आइए, तशरीफ रखिए, बोलते नहीं बोलते? हाँ बोलते, वो तो वही आइए तशरीफ रखिए। तो मेहमान क्या चीज रखता नीचे? अरे तशरीफ बोले तो ये हाँ भाई बैठ जाता। नहीं, क्या चीज रखता नीचे ये समझाओ मेरे को। देखो तशरीफ, हाँ वही बोलो। तशरीफ बोले तो ये कमर के नीचे का हिस्सा, जो पिछला हिस्सा है, उसको जमीन पे टिका देते हैं, उसको आदाब अखलाक में, मुहज़्ज़िब अंदाज में तशरीफ बोलते। मैं भी वही बोल रहा हूँ, कमर के नीचे के हिस्से को नीचे रखने को, टिकाने को तशरीफ कहते हैं, ये मुहज़्ज़िब अंदाज है ये। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, वो मुकाम का नाम तशरीफ नहीं होना चाहिए। इतना नाजुक मुकाम है वो, कितना नाजुक है वो, उसका नाम तशरीफ नहीं, उसका नाम दिल होना चाहिए, क्योंकि दिल कैसा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम दिल और दिल का नाम तशरीफ। बदल देना, चेंज, इधर का उधर, उधर का इधर। अरे गुर्दे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे क्या, मैं ये उर्दू में बदल नहीं सकता मैं? हाँ मियां, मगर वो तो सही है, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। देखो नहीं, गड़बड़ की क्या बात है? नहीं आप कैसा बदलेंगे? अरे बदलेंगे क्या बात, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं, मैं टीवी पे आ जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, रेडियो पे आ जाऊंगा, हुआ तो टेलीफोन के अंदर भी घुस के निकल जाऊंगा, कॉन्फ्रेंस करूंगा, बोलूंगा कि भाई तशरीफ का नाम दिल और दिल का नाम तशरीफ रख दिया गया। नहीं ऐसा है, अगर आप इस तरह से रख दिए आप दिल का नाम तशरीफ, तशरीफ का नाम दिल, तो हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ी परेशानी हो जाएंगी। इसमें परेशानी क्या बात है भाई? हाँ क्यों भाई, मेरे रिसर्च से, मेरे नाम बदलने से, ये उर्दू में चेंजेस लाने से फिल्म इंडस्ट्री का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है, आपके ये नाम बदलने से जो फिल्मा बन चुके हैं, जो फिल्मा बन रहे हैं, जो फिल्मा बना रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? अगर आप तशरीफ का नाम दिल रख दिए तो मुझे वो फिल्मा याद आ रहे हैं। कितने अच्छे थे भाई, वो क्या थी देखो फिल्म, दिल दिया दर्द लिया। अरे 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 अरे, अरे, अरे नहीं, 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 दिल ने फिर याद किया। अरे अरे ये क्या कर रहा है यार तू, दिल लेके देखो। अरे नहीं, ये क्या कर रहा है तू, दिल तो पागल है। अरे बहुत खतरनाक दिख रहा दिल ये, हाँ दिल तेरा दीवाना। अरे बहुत बड़ा दीवाना दिख रहा है, मैं दीवाना हूँ इसके सामने तो, दिल ही तो है। अरे सकरा यार तू, सकरा तू, अरे समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मैं क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं, मैं मना लेता हूँ, मैं मना लेता हूँ उसको, दिल का राजा। बहुत बड़ा राजा है, क्या लूंगा यार, दिल का राजा है तो, अरे इतना बड़ा दिल भी नहीं बनाना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे क्या अच्छा ले जाते जी, दिल का क्या खुसूर, नहीं समझ गया मैं, खुसूर तो मेरा है, जो इतनी अच्छी उर्दू को मैं खराब कर रहा था, चेंजेस ला रहा था। अरे उर्दू जैसी भी है, बहुत अच्छी जबान है, बहुत अच्छी जबान है, जो पहले से वही सही है, एक एक लफ्ज़ दुरुस्त है, मेरी गलती थी जो मैं चेंजेस लाया। अब मैं चलता हूँ भाई, हमारे प्रोफेसर साहब। अरे मैं चलता हूँ भाई। अरे प्रोफेसर साहब, अरे चलता हूँ भाई, भाई अरे सुनो। नहीं रुका तो फिर कोई भी गुर्दा मार देंगे, बचा सो एक ही छह। शराबी वहां आता है, नशे की हालत में है, और दोनों गुफ्तगु हो रही है, हवलदार की और शराबी की, किस अंदाज में देखिए। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते, आपके मुंह में, मेरे मुंह में, मेरे मुंह में नमस्ते कर रहा क्यों? आपके अंदर बैठ के सलाम करना चाह रहा, बात क्या है रे? ऐसा है, मैं मरीज हूं, आपके मुंह में बाजू के दवाखाने में पब्लिक भूत है बोल के आपके दवाखाने को आ गए हूं आपके मुंह में। नहीं भी तो डॉक्टर साहब, आपका दवाखाना बहुत तरक्की कर लिया, वाह, आपके मुंह में, मेरे मुंह में मेरा दवाखाना, सही बोल रहा हूँ, दवाखाना बहुत तरक्की कर लिया, क्यों क्या तरक्की हुई? अरे ये देखो, बंदूक के वैसे इंजेक्शन निकाल लिया, दीवार पे लगी हुई है, देखो वाह क्या तरक्की हो गई भाई। मगर डॉक्टर साहब, उसमें दवा किधर से डालते हैं? इसमें दवा नहीं डालते, क्या आप सोल डालते, समझे? ओफो,
वाह 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 वाह, बहुत तरक्की की। अब क्या हुआ तेरे को? ये क्या है, हथकड़ी कैसा दिख रहा ना? ये हथकड़ी नहीं होती, ये ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट को पिनाते, हल्ला नहीं बोल के समझे। अब आवा बहुत तरक्की कर लिया दवाखाना, सही बोल रहा हूँ। अरे बाजू के दवाखाने में सूफी ड्रेस है, तुम्हारा खाकी ड्रेस है बदल गया शायद, स्पेशल वीआईपी दवाखाना दिख रहा है, बहुत अच्छा दवाखाना है। अरे मगर अब क्या हुआ तेरे को? नहीं डॉक्टर साहब, ये शीखा वीखा हवालात कहीं को बने हुए दवाखाने में? हवालात नहीं है, ये इमरजेंसी वार्ड है, जो भी मरीज सीरियस रहे अपन इसमें डाल के ठीक करते। ओफो, बहुत अच्छा दवाखाना है आपके मुंह में, बहुत बहुत छोटा दवाखाना है बाजू का, वो है बहुत जबरदस्त दवाखाना है आपका। अच्छा अब क्या हुआ तेरे को? अरे ये दवाखाने में ये मुसल गई हुआ है, बेवकूफ मुसल नहीं है वो। नहीं मुसल दिख रहा मेरे को, मुसल नहीं है वो, समझा? वो थर्मामीटर है, बुखार चेक करने का आला, टेम्परेचर चेक करते उससे, समझा? टेम्परेचर चेक करते उससे। ईमान से बोल रहा हूं, तुम्हारा दवाखाना बहुत तरक्की कर लिया, थर्मामीटर, थर्माम क्या है ये, थर्मामीटर बोलते ना इसको, हाँ हो थर्मामीटर मुसल के वैसा बना रहा। बुखार चेक करते वक्त बहुत तकलीफ होती होंगी? नहीं तकलीफ हो रही, मरीज के चीखा निकल जाते। सही बोल रहे हैं आप, परसों में इधर से जा रहा था, अंदर से आवाज आ रहे थे, अबा अबा, अब से नहीं करता, अबा अबा मेरे को छोड़ दो, अबा अबा। मैं समझ गया इसका बुखार चक्कर रहेंगे बोल के, मगर डॉक्टर साहब ये बाजू का दवाखाना बहुत गरीब है। हाँ सही बोल रहा तू, मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत गरीब है। अरे वाह, इतने इतने दो दो तीन तीन इंच के थर्मामीटर हैं, पतले काड़े होंगे वैसे। अरे ये तो जबरदस्त मुसल का बड़ा थर्मामीटर है, मगर डॉक्टर साहब बाजू के दवाखाने में मुंह में रख के चेक करते, बुखार बगल में रखते, मुंह में रखते, ये क्या रखते हैं? ये रखते नहीं, थर्मामीटर पर बिठाते, बुखार जैसा रहा वैसा बस बिठा के चेक करते। अबा बहुत तकलीफ होती होंगी? नहीं हाउ मियाँ बहुत तकलीफ। अच्छा आप भी बुखार चेक कर रहे थे यहाँ पर? दिमाग खराब हो गया? अब तेरे क्या तकलीफ है बोल, समझा क्या तकलीफ है तेरे को? क्या बोलूँ डॉक्टर साहब आपके मुंह में, मगर जवाब नहीं है थर्मामीटर का, बड़ा अच्छा थर्मामीटर है। नहीं तेरे को तकलीफ क्या है बोल रहा हूँ मैं? ऐसा है मेरे को थोड़ा जुकाम हो गई, खांसी आ रही है। हमारे डॉक्टर साहब क्या लेते? जुकाम खांसी के 10,000। अबा 10,000, बहुत बड़ा दवाखाना है, बाखे में बहुत बड़ा है, ड्रेस भी बदला हुआ है, बहुत बड़ा दवाखाना है, मुसल का ऐसा थर्मामीटर है तो लेना चाहिए। मगर एक काम करो, उतने तो नहीं है, थोड़े कम है, खाली खांसी के क्या लेते बोलो, जुकाम वुकाम छोड़ दो। 10,000। अबा उसके भी 10,000? अच्छा बहुत बीमारियां हो गए तो होलसेल में बोलो क्या लेते? 10,000 उसके भी 10,000? डॉक्टर साहब ये 10,000 के डिटेल क्या है? वो बताने के भी 10,000 होते। वाकई बहुत बड़ा दवाखाना है आपके मुंह में, बहुत बड़ा दवाखाना है। अब मैं वही दवाखाने को जाता हूँ जहां से आया था, अपन इतने बड़े आदमी नहीं है भाई। कौन सा दवाखाने को जाता? सिंधी की कंपाउंड, बहुत बड़ा दवाखाना है वो भी। अरे दो शीशे में तबीयत फ्रेश। मियाँ ये शराब छोड़ दो, बहुत बुरी चीज है, इससे फेफड़े गल जाते, आज समझे? आज मेरी आंख खोल दिए सरकार, आप मेरी आंख खोल दिए, अब मैं बिल्कुल छोड़ डालता हूँ। छोड़ डालते ना? बिल्कुल छोड़ देता हूँ, मर्द की जबान शर्क की औलाद कुत्ते का बच्चा ना हो, मैं छोड़ डालता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, क्या छोड़ते? ऐसे बातें सुनना छोड़ देता हूँ, चल निकल यहां से। मेरे को मामले मत समझो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, साइंसदान हूं, रिसर्च कर रहा हूं, निकल यहां से। अच्छा ये बोल क्या रिसर्च कर रहा है तू? ऐसा है अमेरिका, लंदन, जापान, सब के सब चांद में घुस गया, खुदा की कसम बर्दाश्त कर लिया, अब मैं नई जगह घुसना चाह रहा हूं। एक काम कर सूरज में घुस जा, हौला दिख रहा हूं, सूरज में घुसने के बाद से बहुत होशियार है तुम, जल के मर जाता ना मैं नई जगह घुसना चाह रहा हूं। नहीं कहां घुसता तू? जमीन में घुस जाता हूं, मेरे बाप दादा भी बहुत पहले से घुसे हुए, 20 साल हो गए, बस अंदर ही चल लूंगा, रिसर्च कर रहे हैं अंदर जाके, अब तक नहीं निकले उन लोग। हाँ मियाँ अब तक जो भी जमीन में घुसे
अब तक वापिस नहीं आए, फिर तुम्हारे बाप दादा कहां से आएंगे? याद रखो, जमीन में घुसने वाले कभी भी वापस नहीं आते। मैं वह मालूम करने के लिए घुसना चाह रहा हूं चीचा। बहुत जल्द घुसे वैसा दिख रहा है इन्हें जमीन में। अच्छा, अब इतने बड़े काम पर रवाना हो रही, मेरा भी फर्ज है। क्या फर्ज है? फूला फूला पिनाते क्या? बिल्कुल फूला पिनाता हूं तेरे को। और सबसे पहले इतने बड़े काम पर रवाना हो रहा है, देख भाई दुबई मिडिल ईस्ट गए तो मेडिकल चेकअप करते, अब तो इतने बड़े काम पर रवाना हो रहा, मैं भी तेरा मेडिकल चेकअप करता हूँ। सबसे पहले तेरा टेम्परेचर चेक करता हूँ। नको थर्मामीटर देखो। आजकल क्रिकेट तो इंटरनेशनल गेम है, हर तरफ क्रिकेट चल रहा है। अब देखिए बच्चे बच्चे जबान पे क्रिकेट चल रहा है, हर कोई जो सलाम छक्का, अरे कहा जा रहे, यहां तक जा रहा हूं फोर, ये चल रहा है। अरे भाई आपकी उम्र क्या है? 82 फॉर नो लॉस, ये चल रहा है क्रिकेट का हाल। अब देखिए आजकल शर्तें भी बांधते हैं कि क्रिकेट के गेम पर, के वनडे अगर मैच हुआ तो वहां पर शर्त भी चलती है, कोई जीतते हैं कोई हारते हैं। एक साहब घर में रो रहे हैं बेचारे, परेशान है, इन्हों भी हार चुके हैं, शरत बांधे थे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, अब रो रहे हैं। देखिए आप घर में रो रहे हैं, दोस्त आता है उनसे, दोनों की गुफ्तगू होती है किस अंदाज में, देखिए आप इन्हों रो रहे हैं। अरे क्या करो यार, बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ यार, कहीं को रो रहा तू? सही बोल रहा हूँ, 800 रुपये हार दिया यार भाई, 800 रुपये हार गया कल के मैच में। क्यों, झूठ बोल रहा है? मार के मुंह पर डालता हूँ। 500 हारा ना, मैं भी था ना सामने तेरे, 500 तो भारा था तो इंडिया पाकिस्तान पे। सही बोल रहा तू, 500 भारा था, लेकिन रात में हाईलाइट पे भी 300 हार दिया। बहनों और भाइयों तैयार हो जाइए मुस्कुराहटों और खैखों की दुनिया में चलने के लिए। DRC बेबी वाणी निकिता की शानदार पेशकश डिस्को रिकॉर्डिंग कंपनी की ओर से इंटरनेशनल कॉमेडियन सागर खान का मिजाहिया प्रोग्राम कुर्बानी के बकरे। बहनों और भाइयों, मैं साबिर खान आपसे मुखातिब हूं। इससे पहले कि हंसते हंसानी दुनिया में ले चलूं, मैं DRC कंपनी के फाउंडर मरहूम श्री घनौरे यादगिरी राव जी को हम दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने हैदराबादी कई फनकारों को रोशनास कराया और सरपरस्ती की। तो लीजिए बहनों भाइयों, कुछ लतीफे पेश खिदमत है। तो लीजिए सबसे पहले एक छोटा सा लतीफा। मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वहां भी एक लतीफा बन गया। देखिए आप, एक साहब किसी दूसरे साहब से टाइम पूछ रहे हैं। हमारे भाई साहब टाइम क्या हो रहा? बेचारे इत्तेफाक से जिनके हाथ पे घड़ी है उन्हों गुंगे हैं, इनको नहीं मालूम इन्हों गुंगे हैं सो, अब उनसे टाइम पूछ रहे हैं। हमारे भाई साहब टाइम क्या हो रहा? गुंगे साहब घूर के देखे और खामोश हो गए। ये फिर कहने लगे, भाई साहब कमाल है, आपके हाथ पे घड़ी है, मेरे हाथ पे घड़ी नहीं है, मैं आपसे टाइम पूछ रहा हूं, बताइए बोलिए टाइम क्या हो रहा, बोलिए। ये बोलिए के लफ्ज के साथ ही गुंगे को काफी गुस्सा आ रहा है, वो घूर के देखा और फिर खामोश हो गया। ये फिर कहने लगे, भाई साहब कमाल है, अरे इसमें परेशानी की बात क्या है, इसमें क्या आपका नुकसान हो रहा है, मैं टाइम पूछ रहा हूं, बोलिए टाइम क्या हो रहा, बोलिए। गुंगे को गुस्सा आया, फौरी खरीब आया और आके फाइट भिशिम भिशिम भिशिम। अरे क्या है भाई, टाइम पूछते उड़ाइए फाइट मार दिए आप, ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? गुंगे का दोस्त था फौरी बीच में आया, उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात है? ये देखो भाई साहब, मैं इनसे टाइम पूछा उठा के फाइट मार दिया इन्हों। कितने फाइट मारा इन्हें? एक फाइट मारा। एक बजरा समझो? एक फाइट मारा तो एक बजरा समझना, दो फाइट मारा तो क्या दो बजरे समझना। बिल्कुल, इन्हें गूंगा है फाइट मार के समझा दिया, और तुम लक्की है, इससे एक घंटा पहले अगर टाइम पूछते तो पूरे लाइन से 12 फाइट मारता था। ये था एक छोटा सा जोक। आइए अब देखिए, एक साहब रोते हुए जा रहे हैं, दूसरे दोस्त से मुलाकात होती है, दोनों में क्या गुफ्तगू हुई समझ फरमाइए। ये रोते हुए जा रहे हैं बेचारे, परेशान है। अरे यार मैं क्या करूं, क्या हुआ यार, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहा। अरे यार बहुत परेशान। अरे तेरी तो शादी 2 दिन पहले हुई थी ना? और यार शादी हुई थी, नहीं हुई तो अच्छा था। आखिर हुआ क्या? क्या बोलूं यार, मेरी बीवी मर गई। मर जाती तो अच्छा था। नहीं हुआ क्या, बोल क्या बोलूं यार।
मेरी बीवी यार, मैं अब मर जाता हूँ यार, मैं सुसाइड हो जाता हूँ, खुदकुशी कर लेता हूँ, मर जाता हूँ। आखिर मुझे भी बता यार, क्या बात है, तेरी शादी 2 दिन पहले हुई और आज तू रो रहा है, बात क्या है? बात दरअसल ये है, मेरी 2 दिन हुआ शादी होके, मैं रात में ऑफिस का काम कर लेते बैठे हुआ हूँ, मैं सामने पलंग पे बीवी मेरी सो रही है, मैं इधर अपना काम कर रहा हूँ, ऑफिस का लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, काम चल रहा है मेरा, तो बीवी नींद में क्या बड़बड़ा रही मालूम? क्या बड़बड़ा रही? नींद में बोल रही, नहीं प्लीज नहीं, नहीं नहीं शाहरुख, नहीं नहीं शाहरुख प्लीज, देखो मैं बोल दे रही हूँ, प्लीज शाहरुख, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो मैं बोल रही हूँ, प्लीज शाहरुख, नहीं नहीं नहीं। अरे यार, अरे अपने मर्द को रखते हो, हर मर्द का नाम ले रही, शाहरुख खान का नाम ले रही है। दोस्त कहने लगा, तेरी बीवी बहुत शरीफ है, उसके पैरों पर तो रोजाना उठ के, अरे मेरी बीवी जो तो मुझे धोखा दी, हर मत का नाम ले रही और तू पैरों पर हो रहा। बिल्कुल बहुत शरीफ है तेरी बीवी है, नहीं 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 बोल रही, अगर ठीक है बोलती तो। मियां बीवी में, देखिए मियां बीवी में गुफ्तगु हो रही है, किस अंदाज में देखिए आप, बीवी कह रही है अपने शौहर से, अजी अजी क्या है? अजी खिड़की का एक पर्दा लेके आओ। कई को भाई? अजी अपनी खिड़की को पर्दा नहीं है बल्कि सामने के घर वाला रोजाना मेरे को घूर रहा है, इसलिए तुम पर्दा लाए तो ये सब रुक जाता। बेगम तुम एक काम करो, सिर्फ 10 मिनट अपनी खिड़की में खड़े हो जाओ, उसको अच्छा देख लेने दो, उसके बाद उन्हें खुद अपनी खिड़की को पर्दा डाल लेता। और एक देखिए छोटा सा लतीफा पेशे खिदमत है, नवाब साहब जो काफी गुस्से वाले हैं, काफी गुस्से वाले हैं नवाब साहब, उनके पास 8-10 नौकर है, इत्तेफाक से सब नौकरों को छुट्टी दे दिए, एक नौकर उनके पास है। अब देखिए वो शिकार पर जा रहे हैं और अपने नौकर को वार्निंग देते हुए जा रहे हैं, हमारे गुलाम हुसैन जी हुजूर, देखो मैं शिकार पे जा रहा हूं और आज मेरा मूड है पसींदे खाने का, आज तुम पसींदे बना के रखना, समझे? जी हुजूर। जा रहा हूं मैं, शाम तक लौटाऊंगा। जी अच्छा हुजूर। ये शिकार को चले गए नवाब साहब, वापिस आए शिकार से, फिर नौकर से मुखातिब हो गए, गुलाम हुसैन जी हुजूर, क्या नाश्ता तैयार है, पसींदे तैयार है? जी हुजूर सब तैयार है हुजूर। नौकर दस्तरखान बिछाया है, दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, पसींदे प्लेट में रखे हुए हैं, एक पसींदा उठाए और अच्छी तरह देखे, थोड़ा चखे, आहा हा 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 हा, क्या मजेदार बनाए मिया, आहा बहुत अच्छे है पसींदे, मगर टॉमी 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 जू 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 टॉमी। हुजूर हुजूर आप पसींदे खाइए हुजूर। हाँ पसींदे तो खा रहा हूं, लेकिन टॉमी टॉमी जु 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 टॉमी। हुजूर हुजूर आप पहले टॉमी को, बाद में पहले आप पसींदे तो खाइए हुजूर। मैं तो खा रहा हूं, लेकिन मेरा लाडला कुत्ता किधर है? टॉमी टॉमी। हुजूर अब टॉमी नहीं आ सकता हुजूर, अब टॉमी कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आज पूरे 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 एरिया में गोश्त के दुकान बंद थे। औरत के गले में एक लॉकेट है जिसका डिजाइन हवाई जहाज बना हुआ है। अब देखिए एक नौजवान, एक मनचला नौजवान बार बार उस लॉकेट को घूर के देख रहा है, जो गले में लॉकेट है, नौजवान घूर के देख रहा है, औरत उससे मुखातिब होती है। क्या देख रही? नहीं देख रहा हूं, जबरदस्त जबरदस्त अच्छा है लॉकेट, बहुत जबरदस्त दिख रहा। क्यों, क्या जिंदगी में तुम ये ऐसा हवाई जहाज का लॉकेट नहीं देखे? नहीं हवाई जहाज का लॉकेट तो, हवाई जहाज तो बहुत देखा हूं, लेकिन ये एयरपोर्ट उससे ज्यादा खूबसूरत है। अब देखिए एरिया में ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर साहब का तबादला हुआ है, नए नए आए हुए हैं, बेचारे बहुत गुस्से वाले हैं, खान साहब हैं। अब देखिए 3 शख्स को गिरफ्तार किए हैं, अलग अलग जुर्म में, कुछ रंग साइड, कुछ बकर खंदिल, ऐसा तरह तरह के तीनों आ चुके हैं। अब देखिए अनोखी सजा दे रहे हैं, सबसे पहले तीनों को बुलाए अंदर। हाँ इधर आओ मियां। क्या करे तू? सरकार में रैंक सेट चले गया था। ठीक है तुमको चालान नहीं करता मैं, मेरा चालान अलग ही छे, समझे ना? अच्छा देखो तुमको कौन सा मेवा पसंद है? अब अरे रैंक सेट गए तो मेवा खिला रहा यार, अरे एक टक्कर मार के मुंह फोड़ दिए, हाथा तोड़ दिए, तो और क्या खिलाता जी ने? साहब मेरे को अंगूर पसंद है। जाओ अंगूर ला लो 1 किलो। ये अंगूर लाने चले गए, दूसरे को बोला तुम इधर आओ मियां। हाँ तुम क्या करे? साहब मैं बगर खंदिल था। हाँ बगर खंदिल, रात के वक्त खंदिल लेना जरूरी है,
समझे ना, तुमको क्या मेवा पसंद है? साहब मेरे को मौस पसंद है, केला। हाँ जाओ एक दर्जन मौस ला लो। अब ये तो अच्छा दिख रहा है यार, सारे कल खाली बगर खंदिल जाते जैसो मौस खिला जरा। चलो अपने बाप का क्या, जरा फौरी जाके एक किलो एक दर्जन मौस ले लेके आ गए। अब तीसरे साहब को बुलाए। इधर आओ भैया, तुम क्या करे? साहब मैं डबल सवारी जा रहा था साइकिल पे। डबल सवारी जा रहे थे, तुमको क्या पसंद है? मैं वहां साहब मेरे को तरबूज पसंद है साहब, तरबूज हरा जबरदस्त रहता, अंदर लाल लाल रहता, ये बड़ा पसंद है साहब मेरे को बहुत। जाओ एक तरबूज ला लो बड़ा देख के। ये तरबूज लाने चले गए, सबसे पहले अंगूर वाले को बुलाए। हाँ ला लिया मैं अंगूर, ला लिया साहब। ये देखो अंगूर, एक किलो अंगूर है। अब कान खोल के सुनो मिया, अब ये अंगूर उठा तू और ना जबान टच हो ना दांत, अंगूर साबित निकल जाना। जरा भी टच हुआ तो मार मार के पूरा मुंह फोड़ डाल, तो कमर हाथा पड़ा सब तोड़ के घर को भेजा तो। ये कैसा हो गया साहब, चल शुरू कर। अरे नहीं साहब, खाता नहीं खाता। अरे जा रहा हूं साहब। जबरदस्त लिया ये अंगूर, निकल गया बड़ी मुश्किल से, पूरे एक किलो अंगूर खा चुका है, बढ़ा दिए इसको, रोते बेचारा चले गया। अब जाके दूसरे को भेज। अब जाके दूसरे बोला जा मियां तेरी बारी है। अब दूसरा आया, देखिए या हाँ ला लिया, ला लिया साहब मौज लाया मैं। चल मौज छिल और सीधा निगल, जबान और दांत लगी तो मार के मुंडा फोड़ दूंगा, जगह जगह से पंचर कर दूंगा, टुकड़े कर दूंगा, सीधा दवाखाने को जाने। अरे नहीं साहब, कैसा खाऊंगा मैं, खाना पड़ता। अरे नहीं साहब, खाता नहीं खाता। खाता साहब, कैसा खाओ यार। हाँ तू हसरा रो रहा, हसरा भी रो रहा। और साहब मैं हंस रहा हूं भी और रो रहा भी साहब, खा रहा साहब। <कह रहा गा। laughs> क्या बात है, हसरा भी रो रहा तू, किस्सा क्या है? किस्सा ये है साहब, मैं तो मौस लाया हूँ वहीं, कैसा भी कुछ भी करके थोड़े मारा खाता, थोड़ा मौस खाता हूँ वहीं, लेकिन तीसरा जो बढ़ावा है उन्हें तरबूज लेकर बढ़ावा है, उसका क्या होगा? तो लीजिए पेश खिदमत है इस कैसेट का स्पेशल आइटम, कुर्बानी के बकरे। अब देखिए फिल्म स्टार राजकुमार एक ख्वाब देख रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का शहंशाह अकबर आजम बने हुए हैं, और उसी हालत में एक बहुत बड़े मैदान में कुर्बानी के बकरे बेच रहे हैं। इनके इर्द गिर्द अतराफ बकरे हैं, और बीच में स्टूल लाले बैठे हैं, कुर्बानी के बकरे बेच रहे हैं, और इनके बाजू बैठे हैं ओम प्रकाश जो मान सिंह बने हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले ओम प्रकाश आवाज लगा रहे हैं। होशियार, खबरदार, बकरे हैं बिल्कुल तैयार भैया, सच कह रहा हूँ। बकरों की निगाह गाहक पर रहे, गाहक की निगाह बकरों पर रहे, महावली दिल्लेलाही बकरे बेच रहे हैं। राजकुमार स्टूल पर बैठने के साथ ही कहते हैं जानी तख लिया, ये बोलते पूरे बकरे भाग जाते। जानी ये बकरे क्यों भाग गए, ये जानते नहीं हम यहां के शहंशाह हैं, अकबर आजम हैं। वो बात नहीं है सरकार, आपने तक लिया कहा इसलिए वो भाग गए, अभी तो धंधा शुरू हो रहा है, आप तो इल्तजा है, महावली दोबारा हुक्म दीजिए बकरों को वापस लाने का। जानी तमाम बकरों को हिरासत में ले लिया जाए, ये हमारा हुक्म है। राजकुमार बकरे बेचने की कार्रवाई शुरू करते हैं, पूरे बकरों को सिपाही पकड़ कर लाते हैं। अब बकरे बेच रहे हैं राजकुमार। जानी कुर्बानी के बकरे, दुबई का दुम्बा, शारजा का बोकुल, कुवैत का मेंढा, जानी सऊदी का बकरा, बकरे लो बकरे कुर्बानी के बकरे, जानी एक बकरे के साथ दो कबाब फ्री। बाजू कबाबी तले जा रहे हैं, बकरे फिर भागते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, रस्सी तोड़ाने की कोशिश करते हैं। फिर राजकुमार कहते हैं मानसिंह ये बकरे क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं? महावली सामने से कसई आ रहा है। कसई सामने से आता है,
और सलाम करता है, सलाम अलैकुम अकबर भाई। मान सिंह ये कौन बदतमीज है? ये कसई है मावली, ये कसई है। आओ मैं कसई हूँ, ऐसा है हमारे अकबर भाई, दोनों का कारोबार एक ही समझो, एक ही कारोबार है, तुम बेचते रहो मैं काटते रहता हूँ। वैसे अकबर भाई, बदतमीज तुम्हें तमीज नहीं, हम हमारे सामने तुम हमको नहीं जानते, हम यहाँ के शहंशाह हैं, हमसे इस तरह मुखातिब मत हो, हम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, अकबर आजम हैं, हमें महाबली कहो ये मुनासिब है। अरे अब रहने दो उस्ताद, अरे रहने दो, तुम्हारे को अच्छी तरह पहचान दो भाई, पाकिजा से लेके मरते दम तक पूरे फिल्मा देखो उस्ताद। अब ये ड्रेस लाएंगे पहन ले, अपने आप को अकबर आजम बोल रहे तुम, अरे सौदागर में तो धूम कर दिया उस्ताद तुम, अरे क्या जबरदस्ती फिल्म। जानी हम सौदागर, हमारे 14 घर 15 दरवाजे और 17 खिड़कियां हैं, जानी हम तुम्हें बकरा देंगे, जरूर देंगे, वो वक्त भी हमारा रहेगा, बकरा भी हमारा रहेगा और ग्राहक भी हमारा ही रहेगा। अजीत कहते हैं, जो कुमार महावली, ये जाते हैं सीधा दिलीप कुमार से मुखातिब हो जाते हैं। साहेब आलम, मैं अभी अभी महावली को बीच चौरास्ते पर बकरे बेचते हुए कबाब तलते हुए देख कर आ रहा हूं। दिलीप कुमार को गुस्सा आ गया। दिलीप कुमार यहां पहुंच जाते हैं तो फिर राजकुमार कहते हैं, जानी आखिर तुम आ ही गए बेटे शेखू। दिलीप कुमार, ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने अपने आप को नहीं साथ साथ मुझे भी जलील किया है। बेटे शेखू, बुरा मत मानो भाई, बुरा मत मानो, ये कबाब खा लो, शाही कबाब है, तुम्हारे अब्बा हुजूर तले हैं, खा लो, ये सारे बकरे ले लो, ये तख्तो ताज ले लो, मगर तुम्हारी आंख से आंसू अच्छे नहीं लगते, हम देख नहीं सकते, नहीं चाहिए मुझे, ना ना मुझे वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए कबाब बने हुए हो, मुझे वो ताज मंजूर नहीं जिसमें तुम कबाब तलते हो। जानी तखलिया। किश्ती मुखर्जी आते हैं, किश्ती मुखर्जी हाथ में बोतल लिए लुढ़कते लुढ़कते इनके पास पहुंच जाते हैं और किश्ती मुखर्जी कहते हैं, हेलो सौदागर, थोड़ी थोड़ी दारू मिलती क्या? जानी यहां शराब नहीं, बकरे बिकते हैं, बकरे, बकरा खरीदोगे? कौन सा बकरा चाहिए तुम्हें किस्टू, हमें बताओ किस्टू मुखर्जी, तुम्हें कौन सा बकरा चाहिए, हम वो बकरा देंगे। बकरा एक मिनट अभी बोलता हूं, थोड़ा पी लेता हूं, ठहरो जरा। थोड़ी पी लेते हैं और उसके बाद में फिर कहते हैं, अच्छा अब पूछो, क्या पूछते हैं मेरे को? तुम्हें दुबई का दुम्बा चाहिए? दुबई का दुम्बा बेकार है, नकोरे। ठीक है, तुम्हें शारजा का बोकुड़ चाहिए? अरे वो भी बेकार है, नकोरे। तो फिर कुवैत का मेंढा चाहिए? अरे कुवैत का ये भी बेकार है, नकोरे। तो फिर सऊदी का बकरा चाहिए तुम्हें? नक्को वो भी बेकार है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए, कहां का बकरा चाहिए, हमें बताओ, हम मुहैया करेंगे। मेरे को हैदराबादी याकूतपुरे का बकरा चाहिए तो बात जमेगी क्या? जानी आखिर तुम्हें हैदराबादी वो भी याकूतपुरे का बकरा चाहिए, आखिर क्या बात है? अरे वो रहने दो, रास की बात है क्या, मेरे को याकूत प्रेगा ही होना, क्या बोलो, याकूत प्रेगा ही बकरा चाहिए।
आखिर क्या खास बात है वहां के बकरे की? वहां का बकरा लिए तो बहुत फायदा है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आखिर हमें भी बताओ वहां के बकरे में क्या खास बात है? बात दरअसल ये चचा, याकूतपुरे का एक बकरा खरीद के घर को वापस ले जाते वक्त ऑटोमेटिक पीछे पीछे 5-6 बकरियां फ्री में आ जाते, क्या ये? शक्ति कपूर उधर से आते हैं, वो भी अतराफ इर्द गिर्द बकरे लिए, बकरे बेचते हुए शक्ति कपूर भी आते हैं। राजकुमार को बड़ा गुस्सा आता है कि इनका इधर कारोबार चल रहा है और शक्ति कपूर भी बकरे बेचते हुए इधर आ रहे हैं। तो सबसे पहले शक्ति कपूर की नजर पड़ती है राजकुमार पर, तो राजकुमार से मुखातिब है। आओ बकरे लो बकरे, कुर्बानी के बकरे, शानदार बकरे, ईमानदार बकरे, जानदार बकरे, होशियार बकरे, बकरे लो बकरे, आओ। जानी तुम इधर किधर? आओ जिधर बोले उधर, जिधर कस्टमर मैं भी उधर, बकरे भी उधर, पूरा खानदान उधर, आपको क्यों चिंता हो रही है? जानी ये हमारा एरिया है, तुम कहीं और जाकर अपना धंधा करो। जानी हम फिर कहते हैं, ये हमारा एरिया है, ये हमारा इलाका है। अब ढक्कन के, मेरा नाम है इंस्पेक्टर भेंडे, खाता हूँ 6-6 अंडे, बेचता हूँ बकरे तगड़े, यह गवर्नमेंट की जमीन है बेटे, तुम्हें क्या इतराज हो रहा है? शक्ति शक्ति तुम तो पैदल थे, होटल में एक पाया खरीद कर खाने के काबिल नहीं थे, ये अचानक तब्दीली भाई हमारे समझ में नहीं आया, इतने सारे बकरे, भाई हमें भी समझाओ ये कहां से आए हैं? लड़ाई छोड़ो, अब पते की बात करो। बड़े पते की बात कहो भैया, बात दरअसल यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर नहायती हमदर्द है, बेरोजगारों के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क्याम अमल में लाया है। सच कहता हूँ भैया, बेरोजगारी दूर करने के लिए मैं वहां से लोन उठाया हूँ और ये बकरे खरीदा हूँ, इस स्कीम से मैं बहुत फायदा उठा रहा हूँ, बीवी बच्चे बहुत खुश है, घरदार मजे में चल रहा है, मैं इसके मुनाफे से ऊंट खरीदूंगा, घोड़े खरीदूंगा, सारा जंगल खरीदूंगा, अब तुम देखना वो दिन दूर ना है, आंध्र प्रदेश से सारी गरीबी दूर हो जाएगी, क्या आओ? खसाई कहता है फौरी, गरीबी दूर होती कि नहीं दूर होता कि साथ? ठीक है, अब तुम इस एरिए से दूर हो जाओ, यहां हमारा धंधा चल रहा है, तख लिया। गब्बर सिंह अपने आदमियों को बकरे लाने के लिए भेजते हैं, मगर वो खाली हाथ लौट आते हैं, तो गब्बर सिंह उनसे मुखातिब है। कितने बकरे थे सरदार? कई बकरे थे सरदार। अब बता कितने आदमी थे? दो सरदार, एक राजकुमार जो अकबर आजम बन बैठा था, और दूसरा ओम प्रकाश जो मानसिंह बना हुआ है। दो आदमी और तुम तीन फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। हम दादो चंद बकरे नहीं ला सके, गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अरे ओ सांबा, सरकार ने हम पर कितना इनाम रखा है रे सरदार? पूरे 500 बकरे।